We greet each and every one of you seated before the television, and we pray and we hope that God will open your eyes of your understanding, and we will, just as we enjoy giving you the program, you will enjoy receiving it in your mind, soul and spirit. और निश्चय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन करते हैं और इस बात को मानते हैं कि जैसे इस प्रोग्राम को बनाते हुए हम खुद आनंदित हुए हैं, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से इन सारी जानकारी को पाते हुए आप अपने आत्मा, प्राण और शरीर में निश्चय ही खुश होंगे। Once again, we want to say it's a very sacred time and a very opportunity time for us to deliver the Lord's word. एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हमारे लिए सच में पवित्र समय है कि परमेश्वर के वचन को हम बता सके। In the last few episodes, पिछले कुछ एपिसोड्स से we saw in detail about the messianic prophecies. हमने मसीहा की भविष्यवाणी के बारे में बहुत ही विवरण से देखा है। As I mentioned earlier, the birth of Jesus Christ. और जैसे मैंने आपको पहले ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता दिया है। That's number one, and number two is his ministry and his crucifixion. और ये तो नंबर एक बात है, नंबर दो बात ये है कि उसकी सेवकाई और उसका क्रूसीकरण। And of course, the most important one is number four, which is his resurrection. और निश्चय नंबर चार जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और वो तो उसका पुनरुत्थान है। If you take note of this particular sentence we are talking about, it was foretold hundreds of years before it actually happened. और निश्चय ही जिस वाक्य के बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं, ये तो निश्चय ही सैकड़ों साल पहले, ये घटना होने के सैकड़ों साल पहले इसके बारे में बताया गया था। I'm sure that you all want to be reminded that the first prophecy was told by prophet Balaam. I'm sure that's just a reminder and you all know that. और निश्चय मैं जानती हूँ कि पहली भविष्यवाणी तो बिलाम के द्वारा की गई थी और आप जानते हैं, ये तो बस मैं आपको याद दिला रही हूँ। And of course, when we say prophet Balaam, it will go in the year 1500 before Christ BC. और जबकि हम बिलाम के बारे में कह रहे हैं, ये तो ईसवी सन पूर्व 1500 साल पहले की बात है। And this is recorded in the book of Numbers, chapter 24, verse 17. और इसके बारे में गिनती अध्याय 24 वचन 17 में लिखा गया है। हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं। Where he says, जहां पर इस तरह से कहा गया है, A star will come out of Jacob. कि याकूब से एक तारा निकलेगा। A scepter will rise out of Israel. और इसराइल से एक राजदंड उभर कर ऊपर आएगा। These wise men were ever since looking for a star foretold by the prophet. और तभी से ये जो बुद्धिमान लोग थे, ये तो भविष्यवक्ता के द्वारा जो तारे के बारे में कहा गया था, उस तारे को वो ढूंढ रहे थे। You can imagine how excited when they actually after 1500 years they spot a bright star in the sky. आप इस बात के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 1500 साल के बाद में इन लोगों ने यहाँ पर आसमान में एक बहुत ही तेजोमय तारे को देखा था। And you know what they did? They followed it. जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो उसके पीछे चले। And they came actually to the birthplace of Jesus Christ. और वो तो सच में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जगह पर, उसके जन्म के स्थान पर पहुंचे। Next we saw the exact birthplace of the Messiah. और फिर उसके बाद में हमने मसीहा का जन्म का जो स्थान है, उसकी सटीकता के बारे में यहाँ पर देखा है। And this was foretold in Micah chapter 5 verse 2. और मीका अध्याय 5 वचन 2 में इसके बारे में पहले से ही बताया गया था। And at that time there were two Bethlehems in Israel. और उस समय इसराइल में दो बेतलहम थे। So therefore this prophecy is very important. You'll notice that it is very very particular about the details because it makes specific mention of Bethlehem Ephrata. और इसलिए ये भविष्यवाणी जो है, ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है, ये तो बेतलहम इफ्राता के बारे में हमें यहाँ पर बताती है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। We also saw the visit of Jesus Christ to Egypt prophesied by Hosea chapter 11 होशे अध्याय 11 वचन 1 में यीशु मसीह के मिस्र में आने के बारे में जो भविष्यवाणी थी, उस बात को भी हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। Then we see the prophecy of Zechariah. और फिर हम जकरिया की भविष्यवाणी को देखते हैं। Remember, these two prophets are very important in this message especially. याद रखिए, इन संदेशों में खास करके ये जो दो भविष्यवक्ता हैं, ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं।
Now the prophecy of Zechariah on the entry of the Messiah into Jerusalem. अब यहाँ पर जकरिया की भविष्यवाणी कि यरूशलेम में मसीहा का जो प्रवेश है उसके बारे में उसने भविष्यवाणी करके कहा. Now you'll ask the question, how did he come there? शायद आप ये सवाल पूछें कि वो वहाँ पर कैसे आया? He came on a donkey, which was written in the book of Zechariah, chapter 9, verse 9. जकरिया अध्याय 9 वचन 9 में जिस तरह से लिखा है, वो तो गधी के बच्चे पर सवार होकर वहाँ पर आया. And the betrayal for 30 pieces of silver in Zechariah chapter 11 verse 12. और जकरिया अध्याय 11 वचन 12 में उसे 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया जाएगा. इस तरह से ये भविष्यवाणी पूरी हुई. Then we looked into Isaiah chapter 53. और फिर हमने यशायाह अध्याय 53 में इसके बारे में देखा. And we see here the prophecies regarding the suffering, the crucifixion and the Messiah. और यहाँ पर हमने मसीहा के दुख उठाने के बारे में, उसके क्रूसीकरण के बारे में और उसके मरने के बारे में जो भविष्यवाणी है, उन बातों को हमने देखा है. Isaiah also prophesied about the Messiah making his grave with the rich. और यशा इस बात की भी भविष्यवाणी करता है कि मसीहा जो है उसकी कब्र धनी लोगों के साथ में होगी. Then we looked into the prophecies of King David. और फिर हम राजा दाऊद की जो भविष्यवाणी है उसके बारे में देखते हैं. Remember, first we looked into the prophet Isaiah. Now we look into the prophecies of King David on the sufferings of Jesus Christ on the cross in Psalm 22. और निश्चय हमने पहले यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी यीशु के दुख उठाने के बारे में बताया, उन बातों को हमने देखा है. उसके बाद में भजन 22 में यीशु का जो क्रूसीकरण उसके बारे में हम देखते हैं. Also in the same chapter we discussed an amazing fact of putting lots for the garment of the Messiah. और इसी अध्याय में हम इस अद्भुत सच्चाई को देखते हैं कि मसीहा के वस्त्र के बारे में यहाँ पर जो चिट्ठी डाली उसके बारे में बताया गया. Actually speaking, Psalm 22 is a very important psalm connected with the Messiah. और सच में कहा जाए तो मसीहा के बारे में भजन संहिता 22 जो है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा भजन है. So Psalm 22 verse 18, please note that. और भजन संहिता अध्याय 22 वचन 18 जो है इसके बारे में आप जरा गौर से देखिए. Because all these prophecies were written hundreds of years before it happened. क्योंकि ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं इन बातों को होने के पहले सैकड़ों साल पहले से बताई गई थी, लिखी गई थी. This week we'll discuss another messianic prophecy. और इस हफ्ते हम मसीहा के बारे में एक और भविष्यवाणी को देखेंगे. And that is on the resurrection of Jesus Christ. और वो तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में है, यीशु के जी उठने के बारे में है. If we read Psalm chapter 16 verse 10, it says. अगर हम भजन संहिता अध्याय 16 वचन 10 पढ़े तो ये कहता है. You will not abandon me to the realm of the dead. कि तू मुझे ऐसे अधलोक में नहीं छोड़ेगा. Nor will you let your faithful one see decay. और ना तू अपने विश्वास योग्य को नाश होने देगा. This psalm was written by King David. और ये जो भजन है इसे तो राजा दाऊद ने लिखा था. When he was the king of Israel. और उस समय वो तो इसराइल का राजा था. If you read the title of Psalm 16, it says, Michtam of David. और अगर आप भजन संहिता 16 के शीर्षक को पढ़े तो ये इस तरह से कहता है कि ये तो दाऊद का भजन है. The meaning of michtam is a certain tune to denote a musical character. और यहाँ पर ये जो अर्थ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संगीत का जो खास चरित्र है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया. And that is why it's called the musical character. और इसलिए इसे संगीत के चरित्र के रूप में यहाँ पर बताया गया है. Not only a musical character, it is also called the golden psalm. और ये केवल संगीत का चरित्र नहीं है लेकिन ये तो सुनहरा भजन कहा गया है. 6 psalms have been written on this tune. और इस ट्यून के ऊपर में लगभग 6 भजन लिखे गए हैं. They are Psalm 16, और ये है भजन संहिता 16 and Psalm 56 to 60. और भजन 56 से लेकर भजन 60 तक इस पर लिखे गए हैं. Remember those days they would have written down as King David was reciting. और देखिए उन दिनों में इन्होंने ये सब कुछ लिखा जैसे कि राजा दाऊद इन सारे भजनों को वहाँ पर कहते जा रहा था. As he was the king, they would not have missed any point. और जबकि वो राजा था, उन्होंने उसकी किसी भी बात को नहीं चूका. In the previous verses, we see King David having a grateful heart in thanking God for everything. और यहाँ पर इसके पहले के वचनों में हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो तो हर एक बात के लिए आभारी दिल रखता है, हर एक बात के लिए धन्यवाद देता है. And suddenly he writes this important prophecy. और फिर अचानक ही वो ये सबसे महत्वपूर्ण भजन यहाँ पर लिखता है.
You will not abandon me to the realms of the dead. कि तुम मुझे ऐसे अधोलोक में या मुर्दों की जगह पर रहने नहीं देगा. Nor will you let your faithful ones see decay. और नहीं तो अपने विश्वास योग्य कैसे नाश होने देगा. David is pointing here that the Messiah will rise again from the dead. और यहाँ पर दाऊद इस बात को बता रहा था कि जो मसीहा है वो तो मुर्दों में से जीवित होगा. It is really amazing to note that he mentions in his prophecy. और ये जानना तो बहुत ही अद्भुत बात है कि वो अपने भविष्यवाणी में से लिखता है that the Messiah's body will not decay. कि मसीहा का जो शरीर है वो तो ऐसे नाश नहीं होगा. Generally, we bury a dead person and the body will start to decay in 2 or 3 days. सामान्य रूप में हम किसी भी मनुष्य को, मरे हुए मनुष्य को दफनाते हैं और 2 या 3 दिन के अंदर उसका शरीर जो है वो सड़ जाता है. But God had revealed to David that the body of the Messiah will not decay. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद पर इस बात को प्रकट किया कि मसीहा की जो देह है वो नाश नहीं होगी. How true is this prophecy that Jesus Christ rose after 3 days, both in the physical and in the spiritual form? और ये जो भविष्यवाणी है सच में कितनी सही है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो शारीरिक रूप में और साथ साथ में आत्मिक रूप में पूरी तरह से वापस जी उठा था, पुनरुत्थित हुआ. And he was in this world for 40 days. और वो इस संसार में 40 दिनों तक रहा. In this, the Bible records in the gospel that many had seen him. और यहाँ पर बाइबल सुसमाचार की किताबों में इस तरह से बताती है कि बहुत से लोगों ने उसे देखा. So we see that even at one time, if we read 1 Corinthians chapter 15 verse 16. और जब हम यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 16 पढ़ते हैं तो हम इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं. After that he appeared to more than 500 of brothers and sisters at the same time. कि उसके बाद वो एक ही समय में अपने 500 से भी ज्यादा भाइयों और बहनों के सामने प्रकट हुआ था, वो दिखाई दिया था. Even if the Jews had not been able to anticipate the resurrection from the Old Testament. हालांकि जो यहूदी थे वो तो पुराने नियम से जो पुनरुत्थान है उस बात को नहीं समझ पाए थे. They have very clear statements to this effect from the lips of Jesus Christ himself. और वो तो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए इन सारे शब्दों के द्वारा बहुत ही प्रभावित हुए थे. We read that Jesus said of his resurrection from the following scripture references. और हम इस तरह से देखते हैं कि यीशु ने इन सारी बातों के बारे में इन वचनों के संदर्भ में से उनसे बातें की थी. John chapter 2 verse 19. यूहन्ना अध्याय 2 वचन 19 में. Jesus answered them and said unto them. यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए इस तरह से कहा. Destroy this temple and I will raise it up. तुम इस भवन को नाश कर दो और निश्चय ही मैं इसे फिर से बनाऊंगा. In 3 days. 3 दिनों में बनाऊंगा. This was how true it was. और ये बात तो पूरी तरह से सच्ची थी. And it was a symbolic reference of his resurrection. और ये तो निश्चय ही उसके पुनरुत्थान के बारे में दर्शाने वाली बात थी. In Matthew chapter 12:38-42. मत्ती अध्याय 12 वचन 38 से लेकर वचन 42 तक हम इस बात को देखते हैं. We see the comparison now with Jonah. और हम यहाँ पर योना के साथ में इसकी तुलना देखते हैं. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish. क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात तक एक बड़ी मछली के पेट में रहा. So the Son of Man will be 3 days and 3 nights. In the heart of the earth. उसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के अंदर 3 दिन और 3 रात तक रहेगा. This is a conclusion we draw from it that he will be resurrected on the 3rd day. तो इससे हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वो 3rd दिन फिर से जी उठेगा. In Matthew chapter 17 verses 22-23. मत्ती अध्याय 17 वचन 22 और 23 में हम इस तरह से देखते हैं. And while they abode in Galilee, और जबकि वो वहाँ पर गलील में पहुँचे, Jesus said unto them, यीशु ने उनसे कहा, the Son of Man shall be betrayed into the hands of men. कि मनुष्य का जो पुत्र है, वो तो लोगों के हाथ में सौंप दिया जाएगा. And they shall kill him, and on the 3rd day he will be raised again. और वो उसकी हत्या करेंगे, और 3rd दिन वो फिर से जी उठेगा. Let's see what Matthew says. Matthew chapter 20 verses 17 to 19. मत्ती अध्याय 20 वचन 17 से 19 में देखते हैं कि मत्ती क्या कहता है. And Jesus going up to Jerusalem took the 12 disciples apart. और यीशु जबकि यरूशलेम की ओर जा रहा था उसने 12 चेलों को अपने साथ में लिया. वो उन्हें अपने साथ लेता है. And on the way he said unto them. और मार्ग में वो उनसे कहता है.
Behold, we go to Jerusalem. देखो, हम यरूशलेम को जा रहे हैं. And the Son of Man will be betrayed unto the chief priests and unto the scribes. कि जो मनुष्य का पुत्र है वो तो महायाजक और शास्त्रियों के हाथ में सौंपा जाएगा. And they shall condemn him to death. और वो उसे मृत्युदंड का दोषी मानेंगे. And shall deliver him to the Gentiles to mock. To scourge, to crucify on the third day. और वो उसे अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इस तरह से वो कहता है. And then he shall rise again. और फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा. In Matthew chapter 26 verse 30 to 32 we see. मत्ती अध्याय 26 वचन 32 और वचन 33 में हम इस तरह से देखते हैं. And when they had sung a hymn and went out into the Mount of Olives. और जब वो वहाँ पर गीत गा चुके और वो जैतून के पहाड़ पर गए. All ye shall be offended because of me this night. उसने कहा कि आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे. For it is written. क्योंकि ये लिखा है. I will smite the shepherd. कि मैं चरवाहे को मारूंगा. And the sheep of the flock will be scattered. और जो उसकी भेड़े हैं वो तो तितर बितर हो जाएगी. But after I am risen again. लेकिन मेरे जी उठने के बाद में. I will go before you to Galilee. मैं तुम्हारे आगे आगे गलील को जाऊंगा. Then we go back to the famous book of John chapter 10 verse 17 to 18. और फिर हम विख्यात वचन को देखते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 17 से 18 में. Therefore doth my father love me because I lay down my life. पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपने प्राण को दे देता हूँ. That I may take it up again. कि मैं इसे फिर से वापस ले लूँ. No man taketh it from me. कोई मनुष्य इसे मुझसे नहीं ले सकता. But I lay it down of myself. और मैं खुद इसे दे देता हूँ. I have power to lay it down and I have power to take it up again. मेरे पास में सामर्थ है कि मैं इसे दे दूँ और मेरे पास में ये सामर्थ है कि मैं इसे फिर से वापस ले लूँ. This commandment I have received of my father. मैंने अपने पिता से यही आज्ञा प्राप्त की है. We can also see that Jesus Christ said about the resurrection in many passages in the four gospels. और हम देखते हैं कि चार सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से वचनों के भाग में इसी तरह से कहा है. Besides all this, there is no doubt that Jesus Christ really did die on the cross. और इसके सिवा हम इस बात को नहीं देखते हैं कि कहीं और लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर जाने के बारे में इस तरह से कहा है. Take note of this next name that we are going to tell you, that is the Joseph of Arimathea. अगला नाम जो हम आपको बताने वाले हैं उसकी ओर जरा ध्यान दीजिए, ये तो यूसुफ का अरमतिया है. He played a very major role in the life of Jesus Christ. और इसने यीशु मसीह के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका निभाई है. He was a honorable counselor. और वो तो बहुत ही आदरणीय ऐसा काउंसलर था. Who also waited for the kingdom of God. और वो भी परमेश्वर के राज्य के आने की राह देख रहा था. He came into Pilate. और वो पिलातुस के पास में आता है. And claimed the body of Jesus. और यीशु की देह की वो मांग करता है, वो उनसे विनती करता है. We read Luke 24:13 to 35. और फिर हम लूका अध्याय 24 वचन 13 से लेकर वचन 35 तक पढ़ते हैं. John 20:19 to 29. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 19 से लेकर वचन 29 तक हम इस बात को यहाँ पर पढ़ते हैं. We read Christ appearing to his 10 disciples. हम पढ़ते हैं कि मसीह जो है वो तो अपने 10 चेलों के सामने में प्रकट होते हैं. The disciples probably gathered in the house of Mark. और हो सकता है कि वहाँ पर जो चेले हैं वो तो मरकुस के घर में जमा हुए थे. What they did, they shut all the doors. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे दरवाजों को बंद कर लिया था. Because they feared the Jews. क्योंकि वो तो यहूदी लोगों से डर गए थे. Suddenly Christ appears before them. और अचानक यीशु उनके सामने प्रकट होता है. And shows them his pierced hands and feet. और वो उन्हें अपने कीलों से छिदे हुए हाथों को दिखाता है. And then he breathed on them. और फिर वो उन पर फूंकता है. Saying unto them. और उनसे ये कहता है. Receive ye the Holy Ghost. कि तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लो. John 20:26. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 26 में. Again Jesus appeared to them. यीशु फिर से उनके सामने में प्रकट होता है. After 8 days. 8 दिनों के बाद में. And all the 11 disciples were present there. और उस समय बाकी सारे जो 11 चेले थे वहाँ पर उपस्थित थे. And Jesus had to assure them by saying. और फिर यीशु को उन्हें वहाँ पर ये बताते हुए कहना पड़ा. Behold my hands and my feet. तुम मेरे हाथों को और मेरे पैरों को देखो. It is I myself. ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं खुद हूँ.
इफ यू डोंट बिलीव स्टिल हैंडल मी एंड सी, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो मुझे छू कर तुम इस समय देख लो। फॉर अ स्पिरिट हैथ नॉट फ्लेश एंड बोन्स एज यू सी मी, क्योंकि जैसे तुम मुझे देखते हो आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होते हैं। And while they yet believed not for joy and wondered, he said unto them, और फिर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसने उनसे इस तरह से ये सवाल पूछा, Have you any meat? क्या तुम्हारे पास कोई भोजन वस्तु है? And they gave him a piece of broiled fish. और उन्होंने उसे एक भुनी हुई मछली दी, इस तरह से वचन कहता है, And of a honeycomb. और मधु का छत्ता दिया, ये बताता है। He took it and he did eat it. उसने उसे लिया और उसने उसे खाया। Before them. उनके सामने उसने उसे खाया। Here Jesus shows them that he is both in the human form and in the spirit form. यहाँ पर यीशु ने दिखाया कि वो तो मनुष्य के रूप में भी है और साथ साथ में आत्मा के रूप में भी है। Many people think that the resurrection of Jesus was a spiritual resurrection. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यीशु का जो पुनरुत्थान था वो तो केवल आत्मिक पुनरुत्थान था। It was not only a spiritual resurrection, it was also a bodily resurrection. ये केवल आत्मिक पुनरुत्थान नहीं था, लेकिन साथ साथ में ये तो शारीरिक पुनरुत्थान भी था। The bodily resurrection of Jesus Christ from the dead is the crowning proof of Christianity. और यीशु मसीह का शरीर में जो जी उठना है, ये तो मसीहत में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। If the resurrection did not take place, then Christianity is a false religion. और अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ है, तो निश्चय ही मसीहत जो है, वो तो एक झूठा धर्म होता है। If it did take place, then Christ is God and the Christian faith is absolute truth. और अगर ये सच में हुआ है, तो मसीहा ही परमेश्वर है और जो मसीही विश्वास है, वो तो अपने आप में पूरी तरह सच है। Even as we conclude this chapter on the resurrection, I'm sure many of us will wonder how it can apply to our lives today. Resurrection is an important point in the Christian religion. और जैसे आज इस अध्याय को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, हम में से बहुत से लोग इसी बात के बारे में सोचेंगे कि जो पुनरुत्थान है, ये तो किस तरह से होता है और ये तो हमारे जीवन में ये निश्चय बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। Because Jesus Christ appeared in the bodily form to make sure that his disciples first believed. और यीशु मसीह यहाँ पर शरीर के रूप में प्रकट हुए इस बात को निश्चित करने के लिए उसके जो चेले हैं वो आजाद हो जाएं। This is the truth of Christianity. और यही तो मसीहत की सच्चाई है, इस बात को हम देख सकते हैं। And we believe that as we see it, we believe that God will do something in our lives to resurrect all our problems and give us a new life in Jesus Christ. और हम इस बात को जानते हैं कि जैसे हम अपने जीवन में इन सारी बातों को देखते हैं, परमेश्वर जो है हमारे जीवन में हमें नवीनता के लिए पुनरुत्थित करेगा और हम अपने जीवन में मसीह के लिए नई बातों के लिए जी उठेंगे। Because there is a hope, there is a life in Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह में आशा है, यीशु मसीह में जीवन है, हम इस बात को जानते हैं। Therefore we believe in the resurrection. और इसीलिए हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। May God bless each and everyone listening to this program and your hearts be touched that you will believe also in the resurrection. परमेश्वर इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक दर्शकों को आशीष दे और पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए आप में से हर एक व्यक्ति के दिल को स्पर्श कर ले। God bless प्रभु you all आशीष दे। आमेन। על יום שמאיר הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה הללויה